गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लॉन्ग टर्म शेयर्स। आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। और आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है हाल्डिन ग्लास लिमिटेड। देखिए, 35 रुपये का ये स्टॉक लास्ट टाइम ट्रेड किया था। आज संडे है और फ्राइडे को 29 मार्च 2019 को 4 बजे का जो ये भाव था क्लोजिंग का 35 रुपये था। और यहाँ देखिए 52 वीक लो है 28 रुपये और हाई बनाया था 44 रुपये करीब। तो ये ग्लास सेक्टर की कंपनी है, ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट्स बनाती है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए हमारा चैनल लॉन्ग टर्म शेयर्स LTS, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हम ज़रा इसकी वेबसाइट पर चलेंगे तो पहले हम आपको एक ब्रीफ में, सारा नहीं पढ़ूंगा नहीं तो बहुत समय लग जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती। हाल्डिन ग्लास लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज हाल्डिन ग्लास गुजरात लिमिटेड, इनकॉर्पोरेटेड इन 1991, प्रमोटेड बाय हाल्डिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज हाल्डिन ग्लास लिमिटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, इंडिया। हाल्डिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी इंगेज इन मैनुफैक्चर ऑफ सोडा लाइम, फ्लिंट एंड अंबर ग्लास कंटेनर्स सिंस 1964। मिस्टर एनडी शेट्टी, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द कंपनी, has a very rich experience of over 5 decades in the manufacturing of exclusive quality glass containers. We create new designs and shapes of bottles to give cutting edge advantage to the products of our esteemed clients of food, pharmaceuticals, beverages, liquor and beer industries. We try to produce more sophisticated and modern designs to suit the quality standard of our clients in short lead times. अब यहाँ पे देखिए, जो ये जिनके लिए काम करती है, जैसे फूड्स हो गए, दवाओं की जो बोतलें होती हैं, बेवरेजेस कोल्ड ड्रिंक्स की जो होती हैं, लिक्विड दारू और जो बियर, अब बियर गर्मी आ गई है भाई, अभी तो बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, तो इनके बोतलें जो कांच की होती है ना वो प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं। और इनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, हम क्लाइंट्स के बारे में भी जानेंगे कि इनके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं। अब ये देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट, प्रनॉट रिचकार्ड, तिलक नगर इंडस्ट्री तो बहुत ही फेमस है इंडिया की, जो दारू वारू बनाती है। अभी हम इसके भी एक झलक दिखलाएंगे आप लोगों को। अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया, और ये देखिए फोर्स बेल, सारा भाई जैडस, डेनिस जिम, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके लिए काम करते। देखिए बजाज कॉरपोरेशन भी है, कैपिटल, सोसो, टॉप्स, हमदर्द, पार्ले एग्रो, वाडीलाल एक्सपोर्ट में भी, और डाबर इंडिया, कितने सारे क्लाइंट्स हैं इनके पास। मैं नाम एक एक पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। और जो ये प्रोडक्ट्स तो आपको पता ही है कितने स्टैंडर्ड है। ये भी देख लेते, ये देखिए ये बोतलें बनाती है हर दवाओं की भी। ये तो खैर दारू की बोतलें हैं, वोडका वोडका की, तो ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं इनके। और सबसे बड़ी बात है कि जो ग्लास की जो फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, उन पर हम पहले सबसे पहले हम कर्ज़ा देखते हैं कि भाई कर्ज़ा वर्ज़ा तो नहीं बहुत ज़्यादा। तो आइए ऑर्डर वाइज चलते हैं। मार्केट कैफ है 188 करोड़ का, सॉरी EPS हम देखिए आगे चेक करेंगे। बुक वैल्यू 24.16 की और प्राइस टू बुक है 1.45 की, जो कि एक अच्छा है। फेस वैल्यू है 1 की, डिलीवरेबल है 99.99 की, इंडस्ट्री पी है 32 की। और इंडस्ट्री पी अगर 32 की है तो आगे हम देख लेंगे। और यहाँ पर देखिए टोटल डेट है इनके पास 2 करोड़ समथिंग 66 लाख, तो डेट थोड़ा सा कम है जिस हिसाब से इनका काम है। और मार्केट कैप इनका 188 करोड़ है। अब देखिए जो यहाँ पे दिसंबर 2017 से दिसंबर 2018 के जो ईयर टू ईयर क्वार्टर एंडेड इन 2017-18, तो यहाँ पे दिसंबर 2017 से दिसंबर 2018 में 47% की अपसाइड है, ज़बरदस्त बढ़त है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 150% की बढ़त है, नेट प्रॉफिट में भी 97% की बढ़त है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM में भी 5% करीब बढ़त है। तो ज़बरदस्त रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इनके, और इट्स स्टैंड अलोन। और एवरेज क्वालिटी कंपनी है, सेल्स ग्रोथ है 5.37 की, EBIT ग्रोथ है नेगेटिव में है। और ये देखिए अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है, तो पी रेशियो देखिए यहाँ पे 18 है और वहाँ पे उसकी थी इंडस्ट्री की 38 समथिंग। ROCE है 2.37 की, ROE इसका 7.40 का है, थोड़ा काफ़ी कम है।
और रिटर्न देख लेते हैं। देखिए 10 सालों में तो अच्छा रिटर्न, बेहतरीन रिटर्न दिखा रहा है, 946 950% के आसपास है, तो ज़बरदस्त कहेंगे। 5 सालों में 187% का ये भी सोसो है, 4 सालों में 61% का रिटर्न है, कम है, 3 सालों भी कम है। इस तरीके से 2 साल में नेगेटिव हो गया, 1 ईयर में भी 7% के आसपास नेगेटिव है, 2 सालों में 19% का नेगेटिव है। ईयर टू डेट से 6.5% की अपसाइड है, और 3 मंथ्स में भी अपसाइड है 6.5% के आसपास, 1 मंथ में भी 4.5% के आसपास अपसाइड है, और 1 वीक में नेगेटिव, 1 डे में भी नेगेटिव रिटर्न्स हैं इसके। देखो प्रमोटर्स ने जो सितंबर 2018 में इनकी जो होल्डिंग थी 52.52% की, यहाँ पे 0.01% की इन्होंने बढ़ाई है, तो इनकी होल्डिंग हो गई दिसंबर 2018 में 52.53% के। एक भी शेयर इनके गिरवी नहीं, ये एक अच्छा साइन है। और इन यहाँ पे नो म्यूचुअल फंड्स, नो FIIs, और इंडिविजुअल हैं 30% के आसपास, 29.7% के आसपास। और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, ये अच्छी बात है, 30 पैसे पर शेयर के हिसाब से इन्होंने 2018 को सितंबर में दिया था, और माइक्रो कैप कंपनी, अपनी इंडस्ट्री में ये 8वें नंबर पे। ग्लास से रिलेटेड प्राइवेट हाउस 1991 से ये काम कर रही है। और फ्रेंड्स अभी मैं फिर इस पे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर मैं आपको 3,500 की प्रीमियम वाला स्टॉक भी बताता हूँ, तो मैं आपको 3,500 रुपये वाले का ग्लास कंपनी का भी स्टॉक लेके आया हूँ। तो कहने का मेरा यही मकसद है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे उसके फंडामेंटल्स, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हों या तभी जाके वो मल्टी बैगर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। माइक्रो कैप कंपनीज़ क्या होती हैं, उनको ग्रोथ करनी होती है, और अगर उन पर ज़्यादा कर्ज़ा नहीं है, और अगर उनका फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा है, फाइनेंशियल ट्रेंड भी मैं दिखा देता हूँ, तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। देखिए फाइनेंशियल ट्रेंड है आउटस्टैंडिंग, स्कोर 30 है, तो अभी इनका फाइनेंशियल ट्रेंड ज़बरदस्त है। और जो इनकी जिस प्रकार से बहुत सारे क्लाइंट्स के जो मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए, डिमांड हमेशा बनी रहती है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि ग्लास में जिसको रुचि है, जिनको जिनको ग्लास के कंपनी में रुचि है और स्टॉक में भी पैसा डालना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी एक कंसिडर किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, सॉरी थोड़े से स्टॉक लिए जा सकते हैं, और अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह दीजिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा। लेकिन बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ चीज़ें अगर इसमें पॉजिटिव हैं तो कुछ चीज़ें इसमें वो नेगेटिव भी हैं। तो लेकिन विशेषता है कि ना तो इन पर ज़्यादा कर्जा है, और ना ही इनके कोई गिरवी शेयर्स हैं, फाइनेंशियल ट्रेंड आउटस्टैंडिंग है, और प्रीमियम भी अभी छोटा ही है, माइक्रो कैप कंपनी है, तो ऐसी कंपनियाँ क्या होती है कि अपना एक्सपेंशन करती हैं, और भविष्य में हो सकता है कि ये बड़ी बन जाए। तो मुझे आशा है कि आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आया होगा, और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये एक एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो बनाए जाते हैं। अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदे या बेचे, तो अपने एडवाइज़र से ज़रूर मशवरा कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।